ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले प्यारे से गुरु जी के हमारे बड़े मंदिर वाले सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। आज का सत्संग संगत जी पूरा भाव से भरा हुआ सत्संग है। ये आंटी के पर्सनल भाव हैं। आंटी को जो भी विजन गुरुजी ने दिखाया है वो गुरुजी महाराज जाने, लेकिन मुझे भी हुक्म हुआ कि मैं सत्संग को अपलोड करूं गुरुजी का, इसलिए सत्संग अपलोड हो रहा है। पूरे के पूरे भाव आंटी को जो गुरुजी ने दिए हैं वो महाराज ही जानते हैं या आंटी जानती हैं। और सत्संग हमारे साथ गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है। मैं इनका वासन आंटी जी दिल्ली से उन्होंने किया है। मैं गुरुजी का उनका दिल से शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी और संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज एक ऐसा सत्संग शेयर कर रही हूँ जो महाराज के हुक्म से हो रहा है और गुरुजी महाराज ने मुझे कल शाम को आज सुबह जब हुक्म दिया कि ये सत्संग अब शेयर करना है तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भी त्रुटि रह जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई भी किसी को बात अगर थोड़ा दिल पे लगे तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये सत्संग की जो शुरुआत, मैं थोड़ा सा पहले का बताऊँगी क्योंकि ये सत्संग संजीव नारंग अंकल हैं जो गुरुजी टुडे ब्लेसिंग चैनल के ऑनर हैं, उनसे उन्हीं का सत्संग है ये। और महाराज ने आज जब हुक्म दिया कि ये सत्संग शेयर करना है अब, तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चुक हो जाए गुरुजी महाराज तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और ये सत्संग शेयर भी मैं बेलपत्थर पेड़ के नीचे ही बैठ के कर रही हूँ क्योंकि हुक्म भी गुरुजी का यहीं पर बैठ के ये सत्संग शेयर करने का है। संजीव नारंग अंकल, जिनको मैं नंदी बाबा बोलती हूँ, और वो नंदी बाबा हैं और उनका नंदी बाबा महाराज ने नाम दिया है। और ये नाम कैसे उनको मिला है इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड सत्संग है। शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का कि इन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे संगत का नाम नंदी बाबा महाराज ने दिया और वो चीज़ें सब दिखाई मुझे। जो है फरवरी में जो है नंदी बाबा मिले थे, उससे पहले ही मिले थे दिसंबर में लास्ट ईयर। और एक सत्संग भी शेयर हुआ था उनके साथ कि एक सत्संग भी शेयर हुआ था उनके साथ कि बड़े मंदिर में महाराज ने उनको शिव पुराण ब्लेसिंग में दी थी और वो भी एक सत्संग है महाराज का। तो जब नंदी बाबा को शिव पुराण दी ब्लेसिंग में दी, उसके कुछ टाइम बाद मेरे मन में ना एक अंदर से बड़ी क्यूरियोसिटी शुरू हो गई कि मतलब कि कुछ भी जैसे मन में आता था ना भाव कि गुरुजी मुझे ये करना है या गुरुजी मुझे ऐसे करना है, तो झट ना ऑटोमेटिकली ना नंदी बाबा का कॉल आ जाता था और मैं उनको बता देती थी और वो मुझे समाधान बता देते थे। तो ऐसे चलता रहा। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे एक्चुअली में मंथ्स याद नहीं है, तो मैं पाठ पे बैठी थी और मैं गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे साथ बहुत संगत आप जोड़ते हो
और फिर कुछ टाइम बाद उन संगत को पीछे कर देती हूँ। तो कोई ऐसी संगत नहीं है जो आप मेरे को परमानेंट दे दो, वैसे तो कुछ भी परमानेंट नहीं है सिवाय मेरे गुरुजी महाराज के। तो मैंने ऐसे गुरुजी महाराज को बोला और थोड़े दिनों बाद मेरे को फिर क्यूरियोसिटी हुई कि क्योंकि ऐसे होता है मेरे साथ कि महाराज संगत से जोड़ते हैं, फिर वहाँ कुछ ना कुछ या तो नई संगत होती हैं, उनको गुरुजी के बारे में गाइडलाइन देना या संगत सत्संग कैसे किया जाता है या जो भी मतलब कि है वो गुरुजी से रिलेटेड जितने भी उनके क्वेश्चंस होते हैं या जो भी उनकी सही चीज़ें जो थोड़ा मतलब उनको नहीं समझ आ रहा या वो इधर उधर घूम रहे हैं, तो जैसे गुरुजी उनसे कनेक्ट कराते हैं और उसके बाद हटा देते हैं वहाँ से, फिर आगे चलाते हैं। तो ऐसे ही मेरी 2 साल की जर्नी है, 2-2.5 साल हो गए हैं मुझे, तो ऐसी मेरी जर्नी है कि चलाते हैं मिलाते हैं संगत से और फिर पीछे कर देते हैं। नंदी बाबा हाँ जब मिले तो बड़े बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि महाराज अब इनको मेरे से पीछे नहीं करेंगे। और जब मैं परेशान होती थी तो उसी टाइम पे नारंग अंकल का यानी नंदी बाबा का कॉल आता था। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी और मैंने थोड़ी जिद कर ली महाराज से कि गुरुजी महाराज अच्छा आप मुझे ये बताओ गुरुजी महाराज कि प्लीज़ मुझे बताओ कि नारंग अंकल कौन है, मैं मेरे को कब से जानते हैं वो या आपने उनसे उनको कब से मेरे से जुड़ा हुआ है। और ये बात कह के और फिर बाद में मुझे महसूस हुआ कि मुझे नहीं कहनी चाहिए, तो मैंने महाराज के आगे मत्था टेका और मैं भूल गई ये बात, मैं ये बात भूल गई। अब जब मैं ये बात भूल गई तो मुझे इतना याद है कि मंडे का दिन था मॉर्निंग का और मैं जो है पाठ के लिए उठी या मुझे कुछ एकदम से नींद टूटी मेरी, कोई 2:30 बजे के आसपास का टाइम था। और मैं उठी ऑटोमेटिकली, मैंने नहाई धोई और मैं थोड़ी देर के लिए सिमरन पे बैठ गई। और जब मैं पाठ पे बैठी तो मुझे एक विज़न आया और वही विज़न मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ। मैंने विज़न में देखा पहले कैलाश पर्वत और उसके आगे जो झील है मानसरोवर झील, और मैंने देखा कि मैं चल रही हूँ मतलब मानसरोवर झील के पास पहुँची हूँ, मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई और मैंने फिर देखा कैलाश पर्वत। और उसके बाद मैंने देखा कि जो वो कैलाश पर्वत है वो पूरा का पूरा शिवजी के रूप में बदल गया पूरा का पूरा। और मैं विज़न में ही जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी मैं ऐसे बोल रही हूँ और हर हर महादेव हर हर शिव शंभु ऐसे मैं बोल रही हूँ। और मैंने मुझे महसूस हुआ कि जो कैलाश पर्वत है बहुत बड़े शिवजी उसमें मतलब शिवजी के दर्शन शुरू हो गए उसमें, मुझे मुझे शिवजी दिखने लगे और मैं वहाँ पर उनसे उनको मत्था टेक रही हूँ और मैं उनको बोल रही हूँ कि मैंने ना गुरुजी से पूछा था कि संजीव अंकल कौन है, कि मेरी उनके साथ क्या पिछले जन्म में ऐसी रही है कि मुझे ना जानने का बहुत मन है, तो बाकी गुरुजी बताएंगे तो ठीक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके मैं शिवजी भगवान के आगे ये बोल रही हूँ। तो मुझे एक वॉइस एक साउंड सुनाई देता है, मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि मेरे साथ में ही मतलब मुझे नारंग अंकल दिखे और मैंने देखा कि वो ऑटोमेटिकली नंदी बाबा के रूप में बदल गए। तो मैं एकदम से थोड़ा थोड़ा मेरे को विज़न ऐसा हो रहा था कि ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो शिवजी बोलते हैं कि ये नंदी बाबा हैं, ये पिछले जन्म के नंदी बाबा हैं और ये शिवजी के नंदी बाबा हैं, ये शिवजी के साथ साथ रहते हैं और ये इस जन्म से नहीं बहुत बहुत जन्मों से ये नंदी बाबा हैं और शिव जी के नंदीगण हैं। जब मुझे ये महाराज की आवाज़ आई वॉइस आई और बहुत गूंजी तो मैंने अपने आप को देखा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे पूरे शरीर में जैसे लाइक बर्फ़ जम गई हूँ मैं। और मैं कहती हूँ अच्छा नारंग अंकल नंदी बाबा हैं तो फिर तो इनको नंदी बाबा कह के बुलाना चाहिए। तो भोले बाबा ने उनको क्लियर बोला कि हाँ वो नंदी बाबा हैं और पिछले जन्म में वो मेरे साथ ही थे और हर जन्म में वो मेरे साथ है तो वो नंदी बाबा ही हैं, वो तेरे नंदी बाबा हैं, तो तू वो
तेरे नंदी बाबा हैं और तू उनको नंदी बाबा बुला सकती है। तो मैंने कहा वो तो फिर सारे जहान के नंदी बाबा हैं ना शिव जी, जो मैं विजन में बात कर रही थी। तो गुरुजी महाराज ने, जो शिव जी हैं गुरुजी महाराज ने, तो वो हंसे मुस्कुराए और मैं बड़ी खुश हुई कि मुझे पता चल गया कि नारंग अंकल जो बहुत ही ब्लस संगत हैं वो एक्चुअल में शिव जी के नंदी गण हैं, नंदी बाबा हैं। हम मेरे लिए नंदी बाबा हैं और नंदी हैं शिव जी महाराज के। तो मुझे ये चीज़ पता चल गई और मैं इतनी खुश। और मैंने उस टाइम पे जय गुरु जी बोला और मेरा विज़न टूट गया। वो उस टाइम पे सुबह के 4 बजे हुए थे। अब मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैं तो अभी फ़ोन करती हूँ और बोलती हूँ। और जब शिव जी ने बोला कि ये नंदीगण हैं और तेरे नंदी बाबा हैं, और मैं इतनी खुश थी। और जब मेरी जाग खुली तो 4 बजे हुए थे उस टाइम पे, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं जो है अपने नंदी बाबा को, यानी कि संजीव अंकल को, ये विज़न सुनाऊं कि मुझे पता चल गया कि आप कौन हो। तो क्योंकि मैं हर बार उनको यही कहती थी कि आप बहुत ब्लेस संगत हो और आप गुरुजी की बहुत प्यारी संगत हो, तो मैं कभी जरूर पूछूंगी गुरुजी से। मतलब ये तो इनको नहीं कहा कि मैं गुरुजी से पूछूंगी, लेकिन मेरे मन में गुरुजी से पूछने का था। और उन्होंने विज़न में मुझे दिखाया कि वो नंदी गण हैं, शिव जी के नंदी गण और नंदी बाबा हैं वो मेरे। जब क्लियरली गुरुजी ने मुस्कुरा के हंस के बोला वो तेरे नंदी बाबा ने, तो मुझे क्लियर हो गया कि महाराज ने एक संगत मुझे परमानेंट दे दी कि अब ये संगत महाराज नहीं हटाएंगे। तो मैं बहुत 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 खुश थी। एनीवेज मैं 4 बजे मेरी जब नींद खुली तो मैं बहुत एक्साइटेड भी थी कि मैं अंकल को बताऊं कि आज मेरे को विज़न में आपका दिखाई दिया और शिव जी के दर्शन हुए, कैलाश पर्वत देखा। और जब मैं जागी ना तो मेरे पैरों में, पैर की जो पंजे थे वो एकदम चिल्ड थे, ठंडे, और इतने ज़्यादा ठंडे थे कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा, कि जैसे पता नहीं मैं बर्फ़ की गुफाओं से निकल के आई हूँ। क्योंकि मैं उस टाइम पे कैलाश पर्वत पे महाराज जो दर्शन बता रहे थे, दिखा रहे थे, जो विज़न में दिखा रहे थे, मैं उठी, मंत्र जाप करा, शिव जी को प्रणाम करा और सुबह होने का वेट करा। और मैंने जो है पहले सोचा कि उनको फ़ोन पे बताऊं, लेकिन मेरी ना एक हिम्मत थी जो थी ना वो टूट रही थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं। तो क्योंकि पता नहीं, क्योंकि मानेंगे नहीं, हंस देंगे नंदी बाबा। तो मैंने गुरुजी को फिर मत्था टेका, मैं कहा गुरुजी मैं बता रही हूँ, अब आप जानो और आपकी संगत जाने, मैं विज़न बता रही हूँ। मैंने फ़ोन करा और मैंने फ़ोन पे उनको बताया कि मुझे गुरुजी महाराज ने बता दिया कि आप शिवगण हो, शिव जी के नंदी गण हो और आप नंदी बाबा, और गुरुजी महाराज ने बोला है कि ये तेरे नंदी बाबा है, तो यही नाम जो है अब जो है आपका रहेगा। और महाराज का ने जो है बताया भी है कि ये सत्संग जब गुरुजी का हुक्म होगा उस टाइम पे महाराज शेयर करवाएंगे, अभी तो मैं नहीं शेयर करूंगी, तो ये विजन भी नहीं शेयर करूंगी। जब उस टाइम पे मैंने नंदी बाबा को, यानी कि संजीव अंकल को बताया, तो बहुत हंसे अंकल, नारंग अंकल, आंटी ऐसा थोड़ा होता है, अगर मैं शिव जी के नंदी गण हूँ शिव जी का, तो जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो फिर उन्होंने तब क्यों नहीं मुझे अपने पास बुलाया। तो मैं एकदम थोड़ी चुप हो गई। तो गुरु जी मुझे बोलते हैं, इन्नू पूछ मेरे बिहाव ते, कि जब मैं फिजिकल फॉर्म सी ते की तू आंदा मेरे कोल। तो मैंने कहा अंकल मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, और ये गुरुजी महाराज आपको बोल रहे हैं कि अगर आप ये कहते हो कि आप नंदीगण हो तो गुरुजी ने क्यों नहीं फिजिकल फॉर्म में उस टाइम पे बुलाया। तो महाराज कह रहे हैं कि जब मैं फिजिकल फॉर्म में था तो क्या आप उनके पास आते।
तो अंकल ने कहा नहीं, मैं उस टाइम पे भाग जाता, मैं नहीं आता। तो मैंने कहा तो बस हो गया कि गुरुजी अभी अगर फिजिकल फॉर्म में नहीं भी है लेकिन वो साक्षात हमारे साथ है, हमारे पास है, और अगर आपको ये नाम मिला है गुरुजी महाराज की तरफ से और मुझे डायरेक्ट विजन में दिखाया है कि वो नंदीगण है, नंदी बाबा है तेरे, तो आज से आप मेरे नंदी बाबा ही हैं। अब ये सत्संग कब शेयर कराएंगे गुरुजी महाराज, कब नहीं करवाएंगे, ये गुरु महाराज की मर्जी, लेकिन आप मानो या ना मानो आप मेरे नंदी बाबा हो। और उस दिन के बाद से मैंने उनको नारंग अंकल या संजीव अंकल कहना बंद कर दिया। और ये सच है कि जब मैं उनको आवाज़ मारती हूँ, इनफैक्ट आज मैंने उनको आवाज़ मारी थी घर से ही, मैं कहीं ब्लेसिंग्स लेके आ रही थी कहीं से, तो मैंने आवाज़ मारी नंदी बाबा सुन लो, नंदी बाबा सुन लो, और उनका कॉल आ गया। तो ये फैक्ट है कि सच्चे दिल से सच्चे मन से अगर आप गुरुजी को या गुरुजी की किसी भी संगत को याद करते हो तो वो ज़रूर इंडिकेशन आते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ या मैं आ गया या फ़ोन आ जाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज के। और ये नाम गुरुजी ने, शिव बाबा ने, भोले बाबा ने खुद मुझे विजन में दिखा के ये नाम नारंग अंकल को दिया है नंदी बाबा। और आज वो दिन है जिस दिन आज ये वो कर्मों वाला इतना प्यारा दिन है कि महाराज ने ये सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उनका नाम सारे जो जो सुनेगा तो वो उनको नंदी बाबा कहें क्योंकि वो नंदी बाबा ही है। बाकी कहना नहीं कहना वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे लिए मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे क्लियर दिखाया विजन में कि वो नंदी बाबा हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राने की इतनी 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 ब्लेस संगत से मिलवाने का, उनका विजन दिखाने का महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करती हूँ वो कम है, मेरी लाइफ बहुत छोटी है, पढ़ भी जाएगी बहुत छोटी, कि मैं शुक्राने ख़त्म नहीं होंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना नंदी बाबा, थैंक यू सारी संगत को। जय गुरुजी, जय गुरुजी।